अस्सलाम वालेकुम, वेरी फ्रेश गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड के एक और रिएक्शन सीखने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड अमाइड्स की कैसे फॉर्मेशन करते हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का फॉर्मेशन ऑफ एसिड अमाइड्स। फॉर्मेशन ऑफ एसिड अमाइड्स आई थिंक तीन स्टेप्स पे कंसिस्टिंग प्रोसेस है और बहुत सिंपल है, कोई इतना इसमें टेक्निकल नहीं है। हम इससे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड में इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बल्कि इसे पिछले चैप्टर में इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म्स कर चुके हैं रिएक्शंस के। तो सबसे पहले सपोज ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एच। इसके साथ रिएक्ट करेगा अमोनिया, और आप देख सकते हैं कि इस अमोनिया के पास अभी तीन हाइड्रोजन है, और ये अमोनिया इस हाइड्रोजन को भी अपने साथ मिला के NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन बना देगा, जिसकी वैलेंसी +1, यानी कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, उसको अटैच करते हैं इसके साथ आर सी डबल बॉन्ड ओ, एंड ओ के साथ NH4 पॉजिटिव आके अटैच हो जाता है। ठीक है जी, अब इसमें ये प्रोडक्ट जो है, ये थोड़ा सा इसको अनस्टेबल समझ लें, ये दोबारा से टूटेगा और ये एसेटामाइड में जाएगा। कैसे, देखो यहाँ से दो हाइड्रोजन निकालें, सॉरी यहाँ पर दो ऑक्सीजन आने चाहिए। हाँ बिल्कुल, यहाँ से हम इस प्रोडक्ट को ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर अगर मैं आर सी सी डबल ओ NH4, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से करना ये है कि इसको मैं अगेन यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड बल्कि जोड़ के लिखते हैं आर सी डबल ओ NH4। इसको तोड़ना है जी हमने, इसमें से दो हाइड्रोजन यहाँ से लेने, एक ऑक्सीजन लेना है, मतलब कि वाटर बनाना है। ये बन गया वाटर, ठीक है। तो इसके साथ आर सी डबल ओ, और इधर बचा क्या, एक नाइट्रोजन, और उसके साथ दो हाइड्रोजन बच गए क्योंकि एक वाटर हमने यहाँ से निकाल दिया, तो यहाँ पर फिर NH2 बचा, और इसको कहते हैं एसिटामाइड। ठीक है, ये तो एक हमने रिएक्शन लिख दिया भाई कि एसिड अमाइड कैसे बनता है। अब ज़रा इसके मैकेनिज्म को समझते हैं कि एसिड अमाइड बनता है तो किस प्रोसेस के थ्रू बनता है, एक्चुअली होता क्या है, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म बड़ा सिंपल है जी। मैकेनिज्म में सबसे पहले आपके पास सपोज ये कार्बोक्सिलिक एसिड था, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इसके ऊपर आपने रिएक्शन कराया, किसका जी, अमोनिया का रिएक्शन कराया, और आपको पता है कि अमोनिया के पास होता है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये अमोनिया का लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उठ के इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये चूंकि पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, इसके ऊपर जिस वक्त अटैक होगा तो आप देखें क्या प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड है, क्या बन सकता है। ये आर था, इस कार्बन के ऊपर अमोनिया ने अटैक किया, अमोनिया ने मतलब अपने इलेक्ट्रॉन दिए कार्बन तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो कार्बन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन ऊपर ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर देगा। ठीक है, जब इस कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट किए तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और इसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एज इट इज़ मौजूद है, इसके साथ हमने कुछ भी नहीं किया। अब नेक्स्ट स्टेप में उस प्रोडक्ट को उठा के नीचे दोबारा ले आते हैं, आर सी ओ, और इसके साथ NH3 लगा हुआ है, जबकि NH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके साथ OH लगा हुआ है। देखें क्या होगा, ये वाला जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्यों, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्यों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ, क्योंकि इसने अपना जो इलेक्ट्रॉन था एक वो दे दिया कार्बन को, और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई, तो अब ये क्या करे। अब देखें यहाँ से एक हाइड्रोजन इसको अपने इलेक्ट्रॉन दे के इसको इसकी डेफिशिएंसी को फुलफिल करेगा, जब हाइड्रोजन अपना, तीन हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे के बाहर निकलेगा एच पॉजिटिव की फॉर्म में, तो इस हाइड्रोजन को ऐसे नहीं जाने दिया जाएगा, इस हाइड्रोजन को, ये जो सामने न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन है जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको ऑफर करेगा। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको ऑफर करेगा, जब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया तो यहाँ पर सिर्फ दो बच गए, ठीक है, इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स, इस हाइड्रोजन आयन को अपने इलेक्ट्रॉन ऑफर किए इस ऑक्सीजन ने, तो देखें क्या होता है, आर सी इस ऑक्सीजन के ऊपर स्टिल अभी तक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और इस हाइड्रोजन को जब अट्रैक्ट किया गया इस ऑक्सीजन की तरफ से, तो इस ऑक्सीजन के साथ पहले एक हाइड्रोजन था, अब दूसरा भी अटैच कर रहा है, तो अब दो हो गए,
ठीक है जी। और चूंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दिए हैं, तो इस वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आपने लिखना है, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन ऑफर कर रहा है उसको, डेफिनेटली इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना है। अब देखें, यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकला था जो सॉरी, एक हाइड्रोजन निकला था अपने इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को दे के, तो डेफिनेटली इस नाइट्रोजन के साथ अभी दो हाइड्रोजन ही बचेंगे। अब मसला ये है कि अब इस ऑक्सीजन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, और हम कभी वैसे देखते नहीं है कि ऑक्सीजन के ऊपर हमें पॉजिटिव चार्ज जो है ना कहीं पे नजर आए, मोस्टली ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा जी कि इसको उठा के अगेन तीसरे स्टेप में ले आते हैं, सी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ओ एच टू और इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव, और यहाँ पर एन एच टू है। होगा ये कि इस ऑक्सीजन के ऊपर ऑलरेडी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, एक इसने वैसे ही गेन किया हुआ, तो ये शिफ्ट करेगा नीचे इस कार्बन की तरफ, और कार्बन के पास जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा इस ऑक्सीजन की तरफ, और इस ऑक्सीजन की जो डेफिशिएंसी थी वो फुलफिल होगी। ठीक है, तो यहाँ से एच टू ओ रिमूव हो जाएगा, डिहाइड्रेशन होगी, जो एच टू ओ हमने यहाँ पर बनाया था। ठीक है, और जब ये यहाँ से बाहर निकल गया, चूंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ मूव कराए थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड बन गया, बचा एक R, तो उसको इस तरफ लिख लेते हैं, और दूसरी तरफ हमारे पास बच गया NH2, तो इसको इस तरफ लिख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट ये बना वो ये है इस मैकेनिज्म के एंड पे। इसी तरह जो वाटर मॉलिक्यूल हमने बनाया था ऊपर, तो वो ये बन रहा है। तो ये बड़ा सिंपल प्रोसेस है एसिटामाइड्स की फॉर्मेशन, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। फिर भी अगर आप लोगों को किसी किस्म का कोई डाउट है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स के अंदर। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तो अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें अगर आप फॉर द फर्स्ट टाइम चैनल के ऊपर आएँ। आप सबका देखने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू।